मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है करी टील्स के एक और नए एपिसोड में। और आज हम बनाने वाले हैं लौकी का रायता। बट हाँ, आज का जो लौकी का रायता है वो बिल्कुल नए अंदाज में बनाएंगे, जो आपको बहुत पसंद आएगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें सीक्रेट रेसिपी के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने यहाँ पे ले लिया एक मीडियम साइज का लौकी। बस एक ही चीज का ध्यान रखें कि आपकी लौकी में बीज ना हो। लौकी को जो है हम दोनों एंड से कट कर लेंगे और एक पीलर से इसका छिलके को निकाल देंगे। तो ये हमने छिलका पूरा निकाल लिया है। अब हम लौकी को जो है कद्दूकस करेंगे। तो इस तरीके से घर में अवेलेबल कोई भी गेटर होता है तो उससे आप इसको कद्दूकस कर लीजिए। कद्दूकस हमारा हो चुका है। अब जो हम अपने लौकी से एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल लेंगे। इस तरीके से अपने हाथों में रखें और इसे निचोड़ निचोड़ के इसमें जो पानी है वो अलग कर लेंगे। कद्दूकस किए हुए लौकी से पानी को पूरी तरह निकाल लिया है। अब बारी है इसे उबालने की और इसे बॉईल करने की। तो एक पैन में हम इस तरीके से पानी ले लेंगे और कद्दूकस किए हुए लौकी को इसमें डाल के 2 से लेकर 2.5 मिनट तक उबालेंगे। एक स्ट्रेनर की मदद से हम लौकी को अलग कर लेंगे पानी से। एक चम्मच की मदद से धीरे धीरे जो उबला हुआ लौकी है, बॉईल हुआ हुआ लौकी है, उससे भी पानी को अलग कर लेंगे। पानी अलग करने के बाद इस लौकी को कुछ देर के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 250 ग्राम दही और इस दही को भी स्ट्रेनर की मदद से छाक लेंगे। दही को हम इसलिए छाक लें ताकि दही जो है बहुत ही मुलायम हो जाए, बहुत स्मूथ हो जाए और इसमें किसी भी प्रकार की कोई गुठलियाँ ना आए। तब आप देख सकते हैं कि हमारे दही जो है बहुत ही स्मूथ और बहुत ही मुलायम हो चुकी है। चलिए अब आगे का कार्यक्रम शुरू किया जाए। दही पे जो है अब हमारा जो उबला हुआ लौकी था जो काफ़ी ठंडा हो चुका है वो मिला लेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक, जीरा जिसको हमने रोस्ट करके अच्छे से पाउडर बना लिया, थोड़ा सा काला नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और कटा हुआ धनिया। अगर आप लौकी का रायता को थोड़ा और चटपटा खाना चाहते हैं तो इस पे आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैंने जो सामग्री ली थी और जो मसाले लिए थे सबको अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमारा लौकी का रायता बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद है, पूरी तरह बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको आज का ये रेसिपी बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।